5 अगस्त 2019। दोस्तों ये वो दिन था जब हमारे भारत में आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया था, आर्टिकल 370 को भारत से हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसके ठीक एक साल बाद 5 अगस्त 2020 को हमें एक नई चीज होते हुए दिखाई देती है कि पाकिस्तान एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज करते हैं। और इसी दिन ठीक 5 अगस्त 2020 को ही जैसे ही एक साल होता है उसी दिन पाकिस्तान एक नया मैप रिलीज कर देते हैं। दोस्तों इस मैप में खासियत ये रहती है कि अभी तक जैसे हमें पता था, अभी तक हमें ये पता था कि हमारा जम्मू कश्मीर के दो भाग, एक पाकिस्तान के हिस्से में और दूसरा चाइना, और थोड़ा सा हिस्सा जम्मू कश्मीर का भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है जिसे हम आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज तक हमें तो यही पता हुआ था कि कुछ ही भाग जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें तो सिर्फ इतना ही पता था कि पाकिस्तान ने इतने ही जगह को ऑक्यूपाइड किया हुआ है। इस बार जो पॉलिटिकल मैप रिलीज किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, उसमें दोस्तों गुजरात का जूनागढ़ भी शामिल कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये बहुत बकवास जैसा लगता है कि जूनागढ़, जो कि कभी कोई रिलेशन ही नहीं था पाकिस्तान से दूर दूर तक का, आज वो भी हिस्सा माना जा रहा है पाकिस्तान का। क्या दोस्तों ये सही बात है कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा था? आइए दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इस पॉलिटिकल मैप में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता था कि पाकिस्तान ने अभी तक जो जमीन को कैप्चर किया हुआ उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और जो दोस्तों जम्मू कश्मीर को ऑक्यूपाइड किया गया उसे आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जूनागढ़, ये एक नया मुद्दा उठ के आता है कि जूनागढ़ किस तरह से पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों यहां तक कि अभी तक हम लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं इस भाग को, इसी तरह से पाकिस्तान भी बोलती है दोस्तों, ये जो जम्मू कश्मीर है ये इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। जिस तरह से हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं उसी तरह से वो हमें इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है। बट दोस्तों उन्होंने इस बार इस नाम को चेंज करके ये नाम ना रख के उन्होंने बोला है कि इंडिया इनलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इनलीगल वर्ड ऐड कर दिया गया है कि जो हमारी इंडिया है उन्होंने इनलीगल तरीके से इनलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर को कैप्चर करके रखा। यहाँ दोस्तों सुनने में ये थोड़ा सा उठपटांग लगता है, बट अब क्या करें, किया तो पाकिस्तान ने ही है तो लगेगा क्यों नहीं। तो उसी तरह से आइए दोस्तों हम समझते हैं कि जूनागढ़ क्या कभी भारत का हिस्सा था या पाकिस्तान का हिस्सा था। तो आइए दोस्तों इस पे हम नजर डालते हैं। जैसा कि आप सब इस मैप में देख रहे हैं, जूनागढ़ जो बिलोंग करता है वो दोस्तों गुजरात में है। क्या जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब हम हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, जब हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं, तो ब्रिटिश काल में हमें ये देखने को मिलता है कि जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज्य कर रही थी, तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिल जाती है, तो उस समय भी बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जो राजा के अधिकार में होते हैं, जो राजा के क्षेत्र में होते हैं, इनपे अभी भी राजा रूल करते थे, उनसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। तो उसमें से भी जूनागढ़ एक था। वहां की दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जूनागढ़ जो है वो तटीय क्षेत्रों से, कोस्टल एरिया से बहुत सटा हुआ है। तो दोस्तों इनका वहां पे रूल चलता था। दोस्तों जब भारत आजाद हुआ तो बहुत से प्रिंसली स्टेटों पे जाके हमारे जो उस समय जो वॉइस राय थे उन्होंने जाके हर जगह पे प्रिंसली स्टेट से सबसे मिला और फिर उनसे बातचीत की कि आपके पास 3 चॉइसेस है, या तो आप पाकिस्तान में जाके ज्वाइंट हो सकते हैं, या तो आप इंडिया में आके ज्वाइंट हो सकते हैं, या तो तीसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इंडिपेंडेंस भी रह सकते हो। बट दोस्तों क्या उतने छोटे से क्षेत्र को इंडिपेंडेंस रहना सही होगा? तो ये बात पे जो वहां का राजा था वो सोचने लगा और फिर उसने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। पर दोस्तों वहां की जो मेजोरिटी थी, अधिक से अधिक ज्यादा ज्यादा मेजोरिटी जो चाहती थी, वो चाहती थी कि हम इंडिया में जाके मिले। बट वो जो वहां का राजा था वो कनेक्शन दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना से था और वो पाकिस्तान में जाके मिलना चाहते थे, ना कि इंडिया में। बट दोस्तों आगे चल के हमारे नेहरू जी ने जब ये बात बहुत ज्यादा फैल जाती है तो नेहरू जी यहाँ पे बोलते हैं कि हम ये बात डिसाइड करेंगे थ्रू इलेक्शन, हम यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन के थ्रू जो पब्लिक चाहेगी वही यहाँ पे किया जाएगा कि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि आप इंडिया के साथ में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जब ये इलेक्शन कराया गया तो 99.9% लोगों ने यहाँ पे वोट डाला था इंडिया के साथ रहने के लिए या इंडिया में मर्ज होने के लिए। 36 पीपल ने ये बोला कि अपनी राय रखी कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों अब ये बात उठ के आती है कि जब ये भारत के अंदर सम्मिलित हो चुके थे तो क्या ऐसा रीजन है कि जो आज भी पाकिस्तान जूनागढ़ को अपना हिस्सा मानता है? तो दोस्तों जिस दिन ये इलेक्शन कराया गया, जब इस एरिया को पूरे सील कर दिया गया था, तो वहां का जो ये किंग था, जो राजा था, वो वहां से निकल के भागता है और जाके पाकिस्तान में मिलता है मोहम्मद अली जिन्ना से। तो दोस्तों इलेक्शन के थ्रू जब जूनागढ़ को भारत में मिला लिया जाता है, तो यहाँ का जो राजा था
वो वहां से भाग के पाकिस्तान की तरफ जाता है और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना से मिलता है और वहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर देता है। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को साइन करने के बाद ये हो जाता है दोस्तों कि उस भाग को मैंने जिस स्टेट में मैंने जिस क्षेत्र में मैंने राज्य किया हुआ है वो राज्य मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। बट दोस्तों हम लोगों ने इलेक्शन कराया था जूनागढ़ में और वहां की जो पब्लिक थी वो चाहती थी कि हम इंडिया में जाके मिले, बट ये वहां पे जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके ये बात बोल देते हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहते थे। यही मुद्दा है दोस्तों कि पाकिस्तान हर बार इसी बात को उठाता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो उसने ये बात को यूएन तक भी पहुंचाया था और यूएन में जाने के बाद भी इस बात पे चर्चा बहुत कम हुई दोस्तों, क्योंकि उस समय इस पॉइंट को इतना चर्चा नहीं किया गया और ये बात दब गई। जी हाँ दोस्तों, उस समय इस बात पे चर्चा नहीं की गई और फिर आगे चल के ये बात उठने लगी और फिर पाकिस्तान वापस से ये चाहता है कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो बट दोस्तों भारत का ये रिप्लाई है कि ये एक बेवकूफी वाला पॉइंट रखा है, ये बेवकूफी वाला मैप है। दोस्तों इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे खुद पता चलेगा कि दोस्तों कोई ऐसी कंट्री है जिसका कोई बाउंड्री है नहीं है, बाउंड्री ही नहीं है। दोस्तों इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं दिखने वाली है पाकिस्तान का कि वो कहां तक है। सिर्फ और सिर्फ ये इन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरे अपने मैप में दिखाया हुआ है और अक्साई चैन चाइना के कब्जे में है उस भाग को छोड़ के और बाकी का बाकी पूरा अपने कब्जे में दिखा लिया कि ये पूरा का पूरा हमारा है। दोस्तों ये किस तरह का आपको सुन के भी एक बहुत अजीब सा लगता होगा कि किस तरह का मैप है कि जो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे पूरे जम्मू कश्मीर को पूरे क्षेत्र में दिखा दिया। तो दोस्तों देखना अब यह है कि इंडिया किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इंडिया अब बहुत ही तरीके से घिर चुका है बॉर्डर को लेके, एक तरफ से चाइना और एक तरफ से नेपाल, और इनका एक अलग ही फंडा अपना लिया है इन्होंने और जूनागढ़ को और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को अपना भाग बता लिया है। तो दोस्तों इनकी मेरे ख्याल से तो इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि हमने मैप में बना दिया, तो आज के बाद अब जम्मू कश्मीर हमारा हो जाएगा। बट दोस्तों हम अभी भी इस बात को एक हंसी मजाक में ले रहे हैं और ये हंसी मजाक भी है दोस्तों, केवल कह देने से पूरा जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ इनके हिस्से में नहीं जा सकता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इंडिया किस तरह से इस बात का रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है कि ये एक बेवकूफी वाला काम है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, बट फिर भी देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पाकिस्तान का और फिर उसके बाद इंडिया क्या एक्शन लेती है, क्योंकि दोस्तों इंडिया इस समय बॉर्डर के हिस्से से बहुत ज्यादा जूझ चुका है। एक तरफ से चाइना जो लद्दाख के एरिए तक पहुंच चुका है और हमारा नेपाल पड़ोसी राज्य देश वो भी अब काला पानी तक अपने हिस्से को बता रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि बॉर्डर के इशू को किस तरह से इंडिया सॉल्व करती है। बने रहिए दोस्तों इस चैनल के साथ, देखते रहिए डन एवरीथिंग को, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूले। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।